हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और दोस्तों इसका फर्स्ट लुक भी ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो और दोस्तों, ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 प्रो स्मार्टफोन का सक्सेसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाले हैं और ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और प्लीज़, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले पैनल के साथ में आएगा, जिसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और दोस्तों, इसकी स्क्रीन एंड बैक दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। एंड अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। इसी के साथ में एक LED फ्लैश और नीचे रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करूं इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 1300 का डुअल 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एकदम दमदार प्रोसेसर है और डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग का मजा ले सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलेगा, जो कि MIUI 13 के साथ में आएगा। वहीं पर आप बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, फेस अनलॉक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बात करूं इसकी रैम एंड स्टोरेज की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 3 रैम वेरिएंट में आएगा, 6G प्लस 120, 8GB, 8G प्लस 120, 8GB और 8G प्लस 256GB। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट होगा, यानी 6G प्लस 120 8GB वाला, उसकी प्राइस होगी इंडियन मार्केट में 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में। और दोस्तों, लॉन्च डेट की बात करूं, तो ये स्मार्टफोन मई के लास्ट एंड जुलाई के फर्स्ट तक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।